Hey everyone and once again welcome to WSQ Tech. Myself Umar Taskeer. Guys, इस particular video में हम लोग बात करने वाले हैं, लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते वक्त. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको कौन सी गलतियां हैं जो अवॉइड करनी है, जो नहीं करनी है अगर आप SEO कर रहे हैं ईयर 2020. चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं. लगभग मैं यहाँ पर आपको 10 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो लोग करते हैं. द फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्चिंग अबाउट कीवर्ड्स. जो हमें करना चाहिए, हमें प्रॉपर कीवर्ड्स की रिसर्च करनी चाहिए, हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए बिकॉज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर एक्चुअली इजी टू रैंक. अगर आपकी नई वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट की कोई पहले से अथॉरिटी नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं, बहुत ज्यादा कॉन्टेंट नहीं है, बहुत पुरानी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, इन दैट केस आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा कि आप कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के ऊपर और जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं, बड़े पॉपुलर कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर कॉम्पिटिशन ज्यादा है, उनके ऊपर आप रैंक कर जाएं. तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, वो ये कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर बेस्ट बेकरी शॉप और दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं बेस्ट बेकरी शॉप इन जोधपुर. तो अब आपको क्या लगता है कि किस टाइप के कीवर्ड के ऊपर आपको आपकी वेबसाइट को रैंक करना इजी है? तो सेकंड वाले बेस्ट बेकरी शॉप इन जोधपुर, यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर काम करेंगे तो ये ज्यादा इजी है आपकी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए. तो ये पहली गलती है जो लोग करते हैं. द सेकंड थिंग इज नॉन ओरिजिनल कंटेंट. गाइस, कंटेंट इज द हार्ट ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या कंटेंट इज द हार्ट और वी कैन से दैट इट्स द पाथवे अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो. और आप क्या करते हैं, आप कॉपी किया हुआ कॉन्टेंट अपने ब्लॉग में अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. तो गाइज, आपको इस चीज को अवॉइड करना है. अगर आप नॉन ओरिजिनल कंटेंट को डाल रहे हैं तो आप इसको बंद कर दें, ओरिजिनल कंटेंट को डालना स्टार्ट करें. थर्ड इज इंटरनल लिंकिंग. बहुत से लोग हैं जो एक्सटर्नल लिंकिंग्स के ऊपर या बैक लिंक्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बट वो इंटरनल लिंकिंग के स्ट्रक्चर को नहीं समझते हैं, वो इंटरनल लिंकिंग के बेनिफिट्स को नहीं समझते हैं कि उन्हें इंटरनल लिंकिंग की भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा. चौथी चीज मैं आपको बता दूं, चौथी चीज है कि बहुत से लोग जो है वो एनालिटिक्स के ऊपर फोकस नहीं करते. इवन बहुत से लोग तो शुरुआत में एनालिटिक्स को इंटीग्रेट ही नहीं करते अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने ब्लॉग के ऊपर. तो आपको क्या करना है, आपको एनालिटिक्स के ऊपर फोकस करना है, वेबसाइट के एनालिटिक्स को समझना है. और अगर आप वेबसाइट के एनालिटिक्स को नहीं समझेंगे तो एनालिटिक्स के ऊपर फिर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते. जो डेटा आपको मिलती है उसके बेसिस पर आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे. तो जरूरी है आपके लिए कि आप जो आपकी वेबसाइट है उसकी एनालिटिक्स के ऊपर फोकस करें. जो भी टूल्स की जरूरत है एनालिटिक्स देखने के लिए, जैसे गूगल एनालिटिक्स, उसको अपनी वेबसाइट के साथ स्टार्टिंग में ही आप इंटीग्रेट कर दें. फिफ्थ मिस्टेक इज बहुत से लोग इंटीग्रेशन ही नहीं करते हैं. मैंने यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल अभी आपको बताया कि आपको क्या करना है, गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर देना है. केवल गूगल एनालिटिक्स को ही नहीं, गूगल सर्च कंसोल है, और शुरुआत में अगर आप गूगल टैग मैनेजर भी जो है इंटीग्रेट कर देते हैं, या फ्यूचर में आप सोच रहे हैं कि आपकी वेबसाइट के थ्रू आपको बहुत सारे एड्स रन करने हैं, राइट, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सारे एड्स रन करने हैं, तो उस वक्त आप रीमार्केटिंग करेंगे, रीटारगेटिंग करेंगे, तो उन सभी के पिक्सल्स, उन सभी एड अकाउंट्स के जो भी इंटीग्रेशन आपको करने हैं वो आप कोशिश करें कि आप शुरुआत में ही वो सारे इंटीग्रेशन कर दें. क्योंकि बाद में ये होगा कि जब आपको जरूरत होगी तब आप इंटीग्रेशन करने जाएंगे, तो फिर वहां से उस टाइम से आपको फर्दर आगे की डेटा मिलेगी. बट भले मुझे ऐड 2 महीने बाद चलाना है, बट अगर मैं आज इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरे पास डेटा के फॉर्म में पता रहेगा, मुझे ये बिहेवियर पता रहेगा कि किस तरीके से लोग हमारी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करें, तो उसके बेसिस पर 2 महीने बाद मैं बड़ी आसानी से कोई डिसीजन ले सकता हूँ या ऐड रन कर सकता हूँ. तो जितने भी हमें इंटीग्रेशन करने हैं वो हमें शुरुआत में ही कर लेने चाहिए. डोंट क्रिएट सेम एंकर टेक्स्ट फॉर ऑल लिंक्स. ये भी लोग गलती करते हैं कि एक ही एंकर टेक्स्ट वो सारे जितने भी उनके लिंक्स हैं उनके लिए यूज करते हैं, तो आपको इस चीज को भी अवॉइड करना है. बैकलिंक्स जो है, बैकलिंक्स बनाना आज के टाइम में बड़ा क्वांटिटी ओरिएंटेड हो गया, राइट, कि जितने ज्यादा बैकलिंक्स होंगे उतनी अच्छी आपकी वेबसाइट होगी. ऐसा नहीं है, फोकस करिए आप क्वालिटी के ऊपर, बैकलिंक्स की क्वालिटी के ऊपर, रिलेवेंसी के ऊपर, आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपके बैकलिंक्स होने चाहिए. क्वांटिटी के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं. ये भी गलती बहुत सारे बिजनेस करते हैं जो न्यूबीज होते हैं, एसईओ स्टार्ट करते हैं, वो उनका मेन पर्पस यही रहता है कि ज्यादा उन्हें बैकलिंक्स मिल जाए. देन कंसिस्टेंसी, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपने कोई ब्लॉग स्टार्ट किया तो आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहें, उसके ऊपर रेगुलर पोस्ट करें, हर पोस्ट को प्रॉपरली उसका ऑन पेज करें, हर पोस्ट का प्रॉपरली ऑफ पेज करें, टेक्निकल एसईओ को बीच बीच में देखते रहें. उसके बाद हम बात करेंगे नॉट डूइंग रेगुलर ऑडिट.
ऐसा नहीं कि आपने 3 महीने पहले अपनी वेबसाइट को ऑडिट किया था, 2 महीने पहले अपनी वेबसाइट को ऑडिट किया था और उसके बाद आप उसमें कोई भी ऑडिट नहीं कर रहे, आप कोई भी उसका ऑडिट नहीं कर रहे हैं, तो ये मिस्टेक भी आपको नहीं करनी है। आपको रेगुलरली कैलेंडर बना के प्रॉपरली आपको ऑडिट करना है और आपको एक ये इस टाइप से आपको एक जो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी आपको बना के रखनी है कि आप किस तरीके से किन कीवर्ड्स के ऊपर पहले रैंक कर रहे थे, अब फिर उन कीवर्ड्स की रैंकिंग में आपको क्या गेन हुआ, या अगर आपने लूज करी तो किस तरीके से आपने लूज करी। तो ये सारी चीज जब आप ऑडिट करेंगे, रेगुलर ऑडिट करेंगे, तो ये सारी चीजें आप मेंटेन कर सकेंगे। उसके बाद की पेशेंस, ऐसा नहीं है कि आपने आज एक वेबसाइट बनाई और कल से वो रैंक करना शुरू हो जाएगी। बहुत सारी आपको चीजें करनी पड़ती हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत से लोग समझते हैं कि भाई मैंने आज वेबसाइट बनाई, मैंने दो जो है कंटेंट डाले, दो पीस ऑफ कंटेंट डाले उसके बाद हमारी वेबसाइट रैंक करना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और जो चीजें मैंने बताई, जो गलतियां हैं, ये मैंने कुछ जो मेजर गलतियां उनको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया, इनको आप ध्यान में रखें। और फिर एसईओ क्योंकि एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और एसईओ एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस, आपको ऑन पेज करना है, ऑफ पेज करना है, टेक्निकल करना है, सारी चीजें आपको करनी है। तो वो सारी चीजें आप जब रेगुलरली करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, रेगुलर ऑडिट करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, बैकलिंक्स पे फोकस करेंगे, देन डेफिनेटली जो आपको रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।